हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में। युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लोगों को हिला कर रख दिया है। अभिनेता के तौर पर उनका काम और उनकी दमदार छवि बन चुकी थी। 34 साल की उम्र में इस तरह आत्महत्या कर लेना बेहद दर्दनीय है। उनके फैंस सिर्फ यही खोज रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। इस सवाल ने फैंस से लेकर उनके परिवार व दोस्तों को झकझोर कर रख दिया है। इस खबर के बाद हर कोई इस सोच में है कि आखिर सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, ऐसी क्या परेशानी या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों के पोस्ट में दिखाई दे रहे हैं। हर किसी की तरह करण जौहर और आलिया भट्ट ने भी इस बात का दुख व्यक्त किया, लेकिन करण और आलिया ये नहीं जानते थे कि उनका दुख व्यक्त करना पुरानी कहानियों को जिंदा कर देगा। इस बीच सोशल मीडिया पर करण जौहर और आलिया भट्ट के साथ साथ जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। करण आलिया पर लोगों ने कई सवाल उठाकर उन्हें खरी खोटी भी सुनाया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि करण जौहर और आलिया भट्ट सुशांत के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त कर रहे थे। लोगों ने उन्हें एक पुरानी वीडियो की याद दिलानी शुरू कर दी। इस वीडियो में लोगों ने आलिया और करण पर सुशांत का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। ये सब जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब हुआ था। इतना ही नहीं, इसके साथ लपेटे में आ गए ये मुद्दा कि सुशांत बिहारी थे, उन्हें करण जौहर ने बॉलीवुड का नहीं होने दिया। सुशांत के बारे में इन लोगों को सब पता था। ये सब चर्चा तब शुरू हुई जब करण जौहर ने खुद माना कि करण ने ट्वीट करके बताया कि खबर उनके लिए किस कदर दिल तोड़ देने वाली है। उन्हें सुशांत से बातचीत करनी चाहिए थी। उन्हें हमेशा लगता था कि सुशांत को लोगों की जरूरत है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्हें इस बात का दुख है। तो लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। किसी ने उन्हें हाइपोक्रेट कहा तो किसी ने उन्हें नेपटून का प्रमोटर। उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि किस तरह उन्होंने आलिया के साथ मिलकर सुशांत का मजाक उड़ाया था। करण जौहर के ट्वीट पर मिले लोगों के रिप्लाई से आपको गुस्सा साफ नजर आएगा। इस तरह आलिया के ट्वीट पर भी लोगों ने जमकर खरी खोटी सुना डाली। आलिया भट्ट के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लोगों ने यह भी कहा कि अचानक लोगों को सुशांत की इतनी परवाह होने लगी है, लेकिन अब तक इंडस्ट्री से जुड़े हर बड़े नाम उन्हें सिर्फ आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट करते थे। लोगों ने आलिया भट्ट को भी करण जौहर के चैट शो का उस एपिसोड को याद दिलाया जिसमें उन्होंने सुशांत का मजाक उड़ाया था। सुशांत के निधन के बाद लोगों का यह गुस्सा एक सवाल है कि आखिर एक शानदार पर्सनालिटी और बेहद टैलेंटेड एक्टर ने अपनी जिंदगी को खत्म क्यों किया। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को एक्टिंग में काम देने वाली एकता कपूर ही थी। उन्होंने पवित्र रिश्ता के मानव रोल में एक्टर को काम दिया था, जो सीरियल कई सालों तक टॉप पर बना रहा। एकता ने कहा कि तुम हीरो बनोगे। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी में जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिया, जिससे उनके फैंस काफी खुश हुए। उनका काम और खेल लोगों को खूब पसंद आया था, इसलिए राजनेता से लेकर खिलाड़ी सुशांत के निधन से बेहद हैरान है। इनसे जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।